दिल हर कोई देता है, हम जान तुझको देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू पे देखा, आप लोगों ने गाइज कुछ इस टाइप की जो एस्थेटिक वीडियो है अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा ही होगा। अभी के टाइम पे गाइज कुछ इस टाइप की एस्थेटिक वीडियो है जो इंस्टाग्राम के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आप लोग इस टाइप की वीडियो बनाते हो तो यार आप लोगों की भी जो वीडियो है ना वो वायरल हो सकती है। तो इस वीडियो को गाइज एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग कुछ इस तरीके का एस्थेटिक वीडियो बना सकते हो और किस तरीके से आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर कैरेक्टर को ब्लैक करना है। जैसा यहाँ पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, सेम इसी तरीके की वीडियो को मैं बनाकर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा समय लूंगा और आप लोग भी सीख जाओगे कुछ इस तरीके का एस्थेटिक वीडियो को क्रिएट करना। तो वीडियो को गाइज एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो तो यार भाई लोग आपको पता ही आज इस वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को कर देना है एक लाइक। एंड चैनल पर ना हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइज यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने फोन की स्क्रीन पे। अब गाइज सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गाइज अगर आप लोगों के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है ना, तो आप लोग अपना VN एप्लीकेशन के अंदर भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे गाइज यहाँ पर आप लोग न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपकी गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी वीडियो होंगी वो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या होगी, शो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को क्या है, एक उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिसमें आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए गाइस मैं भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं, आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके की जो है हमारी वीडियो होगी, यहां पर देख सकते हो कुछ इस टाइप की हमारी जो है ये वीडियो है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहां पर देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इस वीडियो को गाइस मैंने एग्जांपल के लिए डाउनलोड किया था इंस्टाग्राम, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप लोग अपनी वीडियो लेना, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हो अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर है इसको सबसे पहले हम ब्लैक करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक किस तरीके से करना है आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, विदाउट स्किप किए देखना, ठीक है। तो अब ब्लैक कैरेक्टर को ब्लैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल से अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इतना करने के बाद इधर की तरफ आना है, ठीक है। और यहां पे एडजस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपल से इस पे क्लिक कर देना, और जैसे यहां पर क्लिक करते हो ब्राइटनेस पे चले जाना। ब्राइटनेस पे जाने के बाद गाइस इसको क्या करना, आप लोग इसको कुछ इस तरीके से कम कर देना, ठीक है। इसको रख देना -35। कॉन्ट्रास्ट पे चले जाना, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना कुछ इस तरीके से, ठीक है, फुल कर देना कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है। अब इतना करने के बाद सैचुरेशन पे आ जाना है। सैचुरेशन को गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, सैचुरेशन भी हम थोड़ा डाउन कर देते हैं कुछ इस तरीके से -10 के आसपास। एक्सपोजर पे चले जाते हैं, एक्सपोजर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं हम, ठीक है, इसको भी हल्का कुछ इस तरीके से डाउन कर देंगे, ठीक है, कुछ इतना -10, ठीक है। इतना करने के बाद शार्पनेस पे आएंगे, शार्पनेस को गाइज इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, 35 के आसपास। अब इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर आप HSL पे आ जाएंगे, और HSL पे आने के बाद गाइज अब हमारे बीच मतलब जितने भी कलर है ना यहाँ पे सारे कलर में जाके गाइज इसका जो सैचुरेशन है आप लोगों को सबका सैचुरेशन जो है गाइज उसको डाउन कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से, ओके, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइज कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह ब्लैक हो चुका है। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो गाइज कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गया, ठीक है। बस शूज जो है वो थोड़ा वाइट दिख रहा है, बट उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। बाकी जो कैरेक्टर है पूरा डार्क हो चुका है। अब गाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस्थेटिक वाला जो स्काई है ना उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, देन ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फोटोज पे आ जाएंगे, और गाइज यहाँ पर जो मैं फोटो यूज करने वाला हूँ स्काई का, अगर आप लोग इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हो तो यार आप लोगों को ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को दोनों फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको ऊपर जाना कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज इधर की तरफ आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर गाइज आप लोगों को ना मास्क का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से गाइज आप लोगों को मास्क पे क्लिक कर देना है, और यहां से गाइज आप लोगों को क्या करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद इसको कुछ ऐसे पकड़ के नीचे लाना, ठीक है। नीचे लाने के बाद हल्का सा ये जो एरो है ना इसको हल्का सा कुछ इस तरीके से आपको पूरा नहीं करना, हल्का सा करना, ठीक है, कुछ इतना, ताकि जो एजेस हैं वो साफ हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए, कुछ इतना,
कुछ इतना कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद डन कर देना, डन करने के बाद गाइस दोनों फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और इसको कुछ इतना कर देना, ठीक है। और बाहर से नॉइज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तभी गाड़ी वालों को गाड़ी लेके आना होता है इधर, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो हमने स्काई भी ऐड कर दिया है और वीडियो के अंदर ब्लैक करेक्टर भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत लग रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, अपने वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना होगा और थोड़ा सा हम क्या करेंगे फिर से एडजस्ट पे चलते हैं। और एडजस्ट पे जाने के बाद ना गाइस यहाँ से शैडो पे आ जाना है आपको, एंड इसका जो शैडो है गाइस आपको पूरा कुछ इस तरीके से हल्का सा डाउन कर देना है, ठीक है। एंड टेम्परेचर पे आना है, टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, एंड देन डन, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो वीडियो है कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, लग ही नहीं रहा है कि हमने एडिट किया इस वीडियो को, एकदम एस्थेटिक लग रहा है वीडियो। जैसा मैंने गाइस आप लोगों को प्रीव्यू पे दिखाया था सेम उसी तरीके का जो वीडियो है यहाँ पर मैं बनाकर आप लोगों को दिखा दिया। तो आप लोग भी गाइस कुछ इन्हीं सेटिंग्स का यूज़ करके आप इस तरीके का एस्थेटिक वीडियो जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप आप समझ गए होगे कि आप लोगों को किस तरीके से इस वीडियो को क्रिएट करना है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर से करूँगा। अब गाइस म्यूज़िक वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से म्यूज़िक ऑडियो पर जाके म्यूज़िक ऐड कर लेना और आपकी ये जो वीडियो है बन के रेडी हो जाएगी। अब मान लो आपको इस वीडियो को सेव करना है तो इस एरो पर क्लिक करना और ये जो वीडियो है गाइस आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय।